फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य हूँ। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर बताने वाला हूँ आपको, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से जुड़ी हुई। सबसे पहले बात बता दूं कि इसका बजट जो 210 या 220 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, आपको अब जो बताने वाला हूँ उससे आप खुश रहोगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडिया में ये फिल्म का सेटेलाइट राइट्स और डिजिटल राइट्स कितने में बिका है। जी हाँ, ये दोनों मिलाकर सेटेलाइट राइट्स एंड डिजिटल राइट्स 150 करोड़ फिल्म मेकर को मिल चुके हैं, यानी कि प्रोड्यूसर के जेब में आ चुके हैं 150 करोड़। अब एक और बड़ी सरप्राइज की बात करता हूं, इसका जो चाइनीज थिएटरिकल राइट्स बिका है, यानी चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर ने जो इस फिल्म को खरीदा है और वो खरीदा है 120 करोड़ में। जी हाँ दोस्तों, 120 करोड़। नॉर्मली क्या होता था, स्टार्टिंग के पिछले सालों की फिल्मों की बात करें तो जो हमारी फिल्में जो बिकी है उसे कम से कम 6 से 8 या 10 करोड़ से ज्यादा में लेते नहीं थे चाइनीज वाले, उतने में खरीद लेते थे और जो भी ज्यादा प्रॉफिट होता था वो उनको होता था, हमें कुछ नहीं आता था। हमें वो मूंगफली के दाने बोलते ना एकदम, बस उतना ही कुछ मिलता था और बाकी कुछ नहीं मिलता था। लेकिन उसके बाद रेवेन्यू शेयर वाला पहली बार सिस्टम आया था, सीधे सुपरस्टार से एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिला था क्योंकि फिल्म ने 785 करोड़ के ऊपर कमाई की थी। अब यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में बात करें तो चाइना के लिए ऑलरेडी ये बिक चुकी है 120 करोड़ में, और मजे की बात यह है कि उस 120 करोड़ पैसे भी आ चुके हैं, यानी कि प्रोड्यूसर की जेब में 270 करोड़ है। भाई साहब, फिल्म का बजट मैंने बताया था 210 से 220 करोड़, प्रोड्यूसर ऑलरेडी प्रॉफिट में है 60 से 70 करोड़ के, समझ रहे हो, प्रोड्यूसर ऑलरेडी प्रॉफिट है। ये सिर्फ दो चीजें मैं बता रहा हूँ, दो तीन चीजें ऐसे बहुत सारी चीजें और म्यूजिक राइट्स है और कैसे राइट्स है, इंडिया के थिएटरिकल राइट्स हमने बात करना ही भूल गया, तो आप सोचिए इंडिया के थिएटरिकल राइट्स से भी कितना पैसा आया होगा। बट स्टिल दिस इज सर्टेनली ए प्रॉफिटेबल फिल्म। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर को कितना प्रॉफिट देती है, एग्जीबिटर्स को कितना प्रॉफिट देती है, वो तो फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन है, लॉस लॉस सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। मतलब 210 करोड़ या 220 करोड़ भी अगर ये फिल्म का बजट आप मान के चले तो ये फिल्म किसी तरह से नुकसान में नहीं आएगी और मिनिमम से मिनिमम भी कमाएगी ये फिल्म, तो प्रॉफिटेबल वेंचर में रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। आप कितने खुश हैं जरूर बताएं इसका, इस वीडियो को देखकर। और इस वीडियो की जानकारी दी थी मुझे गौतम सोलंकी ने और ये बहुत अच्छी न्यूज है। शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। चलिए फिलहाल इतना ही।